स्वागत है दोस्तों, आज आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, डेटा टेक्नोलॉजी को लेकर। डेटा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे एग्जाम के लिए, जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और अगर उसमें डेटा टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको ये सभी क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि जो भी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द काउ मिल्क। मॉइस्चर कंटेंट काउ मिल्क में क्या होगा? आप लोगों को यहाँ पे तो आंसर दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा कि मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा। इसमें आप आंसर बताइएगा, तभी मैं समझूंगा आप लोग ध्यान दे रहे हैं पढ़ने पर। सबसे इसका आंसर हो जाएगा C, 83% होता है। आइए आंसर देखते हैं। एक्सप्लेनेशन दे रहा है 87% वाटर इसमें होना चाहिए। काउ मिल्क जो होता है कंसिस्ट ऑफ 87% वाटर एंड 13% ड्राई सब्सटेंस होता है। 80 कंसिडरेबल टू हैव अ एलिमेंट ऑफ कंप्लीट बैलेंस्ड डाइट। 85% वाटर होता है, 13% ड्राई सब्सटेंस होता है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है। मॉइस्चर कंटेंट और वाटर कंटेंट अलग अलग होता है। वाटर कंटेंट वहीं पूछता तो 87% हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, तो हो जाएगा 83%। ठीक है ना। व्हाट इफ़ द फैट परसेंटेज ऑफ द काउ मिल्क। व्हाट इफ़ द फैट परसेंटेज, फैट परसेंटेज क्या होता है काउ मिल्क में? तो हम लोग सभी जानते हैं स्टैंडर्ड, जो कि स्टैंडर्ड बनाया गया, स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब FSSAI के द्वारा 4% होना चाहिए। ठीक है ना, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं है। FNF होना चाहिए 8.5 से 9%, वो आप सभी को पता होगा। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, FNF होना चाहिए 8.5 से 9% FNF और 4% फैट होना चाहिए। मिल्क इज एन इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर। ऑयल ए हो जाएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा एक्सप्लेनेशन। मिल्क इन सस्पेंशन ऑफ ड्रॉपलेट, इसका एक्सप्लेनेशन मैं बता देता हूँ। मिल्क इवन इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर की तरह जब पानी में ऑयल डालते हैं उस तरीके का मिल्क भी होता है, उसी तरह का इमल्शन है। ठीक है ना, आप लोगों को ये याद रखना होगा। इन मिल्क द वे प्रोटीन आर इन कोलोइडल, कोलोइडल के फॉर्म में रहता है। ठीक है ना, आर इन द कोलोइडल सॉल्यूशन एंड द कैफीन इन द कोलोइडल सस्पेंशन। अप्रॉक्सीमेटली द साइज फैट ग्लोब्यूल, फैट ग्लोब्यूल इन मिल्क सॉल्यूशन। इफ फैट ग्लोब्यूल का साइज क्या होगा? 10^-2 टू 10^-3, ए हो जाएगा इसके आंसर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मेथड टू कंप्यूट फैट क्रिस्टलाइजेशन इन काउ मिल्क। इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा NMR। ठीक है ना, NMR मेथड इफ ऑल्सो इफ यूटिलाइज टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ द फैट क्रिस्टल एज द फंक्शन ऑफ द टाइम ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बता दें, डेफ इफ द वैल्यू ऑफ स्टेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ आयोडीन डेट फैट कैन बाइंड। कॉम 5 में से ऑप्शन में से वैल्यू है फ्रैक्शनल वैल्यू स्टेज द परसेंटेज ऑफ आयोडीन डेट कैन फैट कैन बाइंड, नहीं बी हो जाएगा आयोडीन हो जाएगा। आयोडीन इज द वैल्यूएबल स्टेट द परसेंटेज ऑफ आयोडीन डेट कैन डेट द फैट कैन बाइंड। आयोडीन इज टेकन अप बाय द डबल बाउंड ऑफ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मिल्क हैव ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ये तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन था। नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव एन एमीन एंड कार्बोफिलिक ग्रुप। एमीन और कार्बोफिलिक ग्रुप में ही आपको पता लग जाएगा एमिनो एसिड में दोनों चीज होते हैं। कैफीन कंटेंट कैन नॉट बी क्लासीफाइड एज अल्फा बीटा गामा कब डेल्टा नहीं होगा, डेल्टा ऑप्शन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग वे इफ नॉट टू मेक द कैफीनेट पार्टिकल फ्लोरोसेट एंड कोगुलेट। कॉम 5 में से फॉलोइंग इफ नॉट टू मेक द कैफीनेट पार्टिकल फ्लोरोसेट एंड कोगुलेट। इसका आंसर होगा फी प्रेसिपिटेशन बाई वाटर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ आर द वे प्रोटीन। वे प्रोटीन इसका आंसर हो जाएगा अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन और बीटा लैक्टो एल्ब्यूमिन, डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैट सोल्यूबल विटामिन फॉर प्रिवेंट इन मिल्क। ए डी ई के होता है, लिख लीजिए ए डी ई के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए डी ई के होता है। लास्ट क्वेश्चन है जी, कम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज इफ दोनों का कम्बिनेशन क्या बनाता है? लैक्टोज बनाता है। C6H12O6 गलेक्टोव और ग्लूकोव का जो कम्बिनेशन है वो क्या बनाता है? लैक्टोव बनाता है। ठीक है ना, तो यहीं पे लास्ट क्वेश्चन हम लोग का ये ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप कुछ सीखे हैं तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।